नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती झांसी का यह जो आप किला देख रहे हैं, रानी झांसी का, अब रात के समय यह किला किस तरह से रोशन होने लगा है यह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। पहाड़ी के ऊपर किले की इस प्रकार से जो रोशनी भरा नज़ारा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हम आपको यह घर बैठे नज़ारा दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 19 नवंबर को झांसी आए थे तो इसी किले के मैदान से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। उस समय ये किले के चारों ओर जो फसाद लाइट लगाई जानी थी उस कार्यक्रम को तय किया गया था। हालांकि उस समय लाइटें लगने का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब यह काम पूरा हो गया है और आप देख सकते हैं कि रात के समय किला कितना खूबसूरत नज़र आता है। चारों तरफ जो किले की दीवार है उसे पूरा रोशन कर दिया गया है। अब दूर से आप देखेंगे तो किला पूरी तरह से रोशन नज़र आएगा। हम आपको किले का यह पिछला हिस्सा दिखा रहे हैं जो कि शहर की ओर है। यहाँ पर मैदान है, ये जो देख सकते हैं आप मैदान है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया था, और यह किले का नेपथ्य है। फिलहाल हम आपको यह नज़ारा दिखाने के साथ अब आपको किले का जो मुख्य द्वार है उसकी तरफ भी ले चलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ भी जो रोशनी है उससे दीवारें किस तरह से जगमगा, वो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे को आप अपनी आँखों में ज़रूर कैद करिएगा, क्योंकि दिन में आपको जो किला की दीवारें दिखाई देती हैं वह इससे बहुत बेहतर हैं। और यह देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसके लिए नगर विधायक रवि शर्मा, महापौर रामतीर्थ सिंगल और सांसद अनुराग शर्मा के प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं। हम आपको इस किले के मुख्य द्वार की तरफ भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है और मार्ग कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं जो किला मार्ग है वहाँ से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ लाइटें जगमगा रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं किला कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। रोशन हो गया है किला और इस प्रकार से जो किले की रोशनी है वह पहली बार नज़र आ रही है। ऐसी रोशनी में किला पहले कभी नहीं जगमगाया था। और इतना खूबसूरत किला देखने के लिए यदि आपका मन करता है तो आप सुरक्षा के साथ झांसी में कभी भी आइएगा, आपका मार्केट संवाद स्वागत करेगा। ये देखिए आप कितना खूबसूरत जो किले की दीवारें हैं वह सफ़ेद रोशनी में, दूधिया रोशनी में किस प्रकार चमक रही है। यहाँ आसपास कई सारे जो स्थल हैं, जो पार्क हैं और ख़ासतौर से प्रदर्शनी भी इस समय लगी हुई है, इस वजह से यहाँ भीड़ भाड़ का नज़ारा है। हम आपको जो मुख्य द्वार तक है वह दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूधिया रोशनी में नहाया किला। और यह जो मार्ग है यह मिनरवा टाकिस की ओर जाता है, मार्ग किले का मार्ग है। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा हो रानी झांसी के किले का। ऐसा नज़ारा जो देखते ही आंखों में समा जाए और जिसे निहारने का मन करे, ऐसा नज़ारा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, रात के समय यह नज़ारा देखते ही बनता है। हम आपको घर बैठे मार्केट संवाद आपको घर बैठे यह नज़ारा दिखा रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जिस प्रकार से झांसी में विकास के कार्य हुए हैं उसमें अब शहर की गलियां जो पूरी तरह से रोशन हो गई हैं, सड़कें बढ़िया चमचमा रही हैं, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे उस समय किले की सड़क को बहुत बेहतरीन कर दिया गया था। यही कारण है कि रात के समय आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब हम आपको किले के मुख्य द्वार की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि
वहाँ कैसा नज़ारा दिखाई देता है ये देखेंगे आप। कितना खूबसूरत किला का जो बुर्ज है वो नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। जो किले का जो मुख्य द्वार है वहाँ के लिए ये रास्ता है, और ठीक सामने मुख्य द्वार आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा जो किला है भाई, ऐसा लगता है जैसे रात में दूध या रोशनी में ऐसा जाग उठा है, और इतना खूबसूरत नज़ारा दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपकी नज़रें हटेंगी नहीं। ये शहर है जो रोशनी में आपको नज़र आ रहा होगा, और यह किले का मुख्य द्वार है। कितना खूबसूरत, किसी फिल्म सिटी के सेट जैसा नज़र आ रहा है रानी झांसी का यह किला, दूध या रोशनी में नहाया हुआ, और दूर दूर तक शहर की जो लाइटें हैं वह नज़र आ रही हैं, जो कि कानपुर रोड है पीछे जहां आप लाइटें देख रहे हैं। तो फिलहाल बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और इस नज़ारे को आप मार्केट संवाद के चैनल पर देखते रहिए, और हमें बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।